तारानगर क्षेत्र में ढाणी में घुसकर 32 साल की महिला और उसकी 10 वर्षीय बेटी से जबरदस्ती का प्रयास। पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंच लगाई गुहार। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र की एक ढाणी में घुसकर 32 साल की महिला और उसकी 10 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया है। तारानगर पुलिस ने जब पीड़िता की सुनवाई नहीं की तो वह अपनी बेटी सहित बुधवार को चूरू एसपी दफ्तर पहुंची, जहां न्याय के लिए एसपी दिगंत आनंद से गुहार लगाई है। 32 वर्षीय महिला ने बताया कि बीती रात को वह अपने परिवार सहित ढाणी में थी, तभी पंकज स्वामी, राजेश स्वामी और मुकेश सैनी शराब के नशे में उसकी ढाणी में घुस गए, जिन्होंने गालियां निकालते हुए उसके पति से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बीच उसका पति किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को गला पकड़ते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास करने लगे। इस बीच उसकी 10 साल की बेटी वहां पहुंची तो उन्होंने बच्ची के साथ भी दरिंदगी करते हुए गंदी हरकतें की। जब उसने बेटी को छुड़वाया तो आरोपियों ने महिला को नीचे पटक लिया और जबरदस्ती का प्रयास करने लगे, जिसके बाद आरोपियों ने बंदूक दिखाते हुए धमकी दी कि यदि जमीन हमारे नाम नहीं की तो सबको जान से खत्म कर देंगे। महिला ने बताया कि आरोपी लोग उसके खेत की जमीन पर जबरन कब्जा भी करना चाहते हैं। अरे आने गैल बजिया जे ए तो कोई के घर छुप गया सामी नैया को घर भी न छुप गया तो फिर मेरे साथ जबरदस्ती करी, मैंने बंदूक दिखाई, बोलिया के आ देख लिए गए कल तू थाने में जाके तेरो की को नहीं हो गए और आज तेरे पड़ेगी के और के बंदूक देगा हम जानू मारूंगो के ए बात करी। फिर छोरी के हाथ कर लियो, मेरा हाथ कर लियो और बंग मुंडे में बदबू आवे दारू पी राखी वे दिक्कत से और मुकेश से राजेश से तीन तीन है। फिर फोन करके और आदमी